बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सरकार स्वागत करती है। हम लोग किसी की निजी संपत्ति पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है और अपराध कर रहा है, अपराध की दुनिया में आकर के उसमें जो है फिर निर्माण कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति की बात कर रहा है। सर, सपा और बसपा का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार मनमानी कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप। अब सपा बसपा को इसके अलावा करना क्या है? सामाजिक न्याय समिति पर तो बोलना नहीं है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर बोलना नहीं है, क्योंकि 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को है वो बंट जाएगा, उस पर तो बोलना नहीं है। देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया तो एक देश एक समान शिक्षा पर तो उनको बोलना नहीं है। तो वो लोगों के हित में, गरीब कमजोर लोगों के हित की बात नहीं करते हैं, सिर्फ बिना वजह की बात करते हैं लोग। सर, कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, तो कौन मना कर रहा है? वो कांग्रेस प्रदर्शन करे चाहे कुछ करे, 60 साल शासन था, अगर वो पिछड़े दलित गरीब कमजोर मजलूम को हिस्सा दिया होता आज प्रदर्शन करने की जरूरत काहे को पड़ती? उनका कहना है कि प्रदेश सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं के जो जब उनकी सरकार थी तब भूल गए, लाखों पर लोगों को जेल में बिना वजह डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगाया, संविधान की धज्जी उड़ा दिया, वो भूल गए कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, एसटीएफ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पेशल ठाकुर फोर्स है, इसमें एक वर्ग के लोग ज्यादा है। ललितपुर में तो जो इनकाउंटर हुआ था तो जो अपराधी यहां जाके लोग रसमलाई काटे हैं वो किस जाति का था, समाजवादी से पूछ लीजिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.